एंड फर्स्ट आता है आपका बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। सो दीज आर नोन एज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। यहाँ सारे फॉर्मूले सीखने हैं। और देखिए एक काम है कि ये इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज अलग होंगे और साथ ही साथ हम इसके लिखते जाएंगे जनरल फॉर्मूलेज, राइट। तो पैरेलल में मैं इसके जनरल फॉर्मूलेज भी लिखूंगा जिससे आपको मालूम चले कि किस तरह से जनरल फॉर्मूला यूज करना है। सो दैट इज द जनरल फॉर्मूला पैरेलल टू दिस, राइट। और उसकी प्रूफ हम यहाँ समझेंगे, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसको आप लिखते हो एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला फॉर यूजिंग दिस, ठीक है ना। इसमें आप ध्यान रखें कि एन की वैल्यू, एन इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। अगर एन माइनस वन हुआ तो एन यदि माइनस वन हुआ तो देखिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं एन को एक्स टू द पावर माइनस वन लिख देता हूँ तो फिर उसमें फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स का, और डी एक्स अपॉन एक्स का तो लॉग एक्स होता है विद द बेस ई। वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होगा क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स होता है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट है दिस इज द कंडीशन कि एन के वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए, बस। बाकी सारी वैल्यूज ले सकता है ये, एन की वैल्यू माइनस वन नहीं रख सकते क्योंकि माइनस वन रखते ही हमें फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखने लगता है। और ये जो इसका इंटीग्रेशन है लॉग एक्स होगा क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स होता है, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ एन नहीं रखना है। अच्छा अब देखिए इसी का जनरल फॉर्मूला जो है ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स, जिसे हम जैसा लिखते हैं वो पहले फॉर्मूला में लिख देता हूँ, फिर इसका आपको प्रूफ इसको दिखाऊंगा कि इसका प्रूफ क्या रहने वाला है। सो देखिए अगर ये इस तरह से है तो आप इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इन सभी में जैसा कि मैंने आपको फंडामेंटल लॉज में एक्सप्लेन किया था, वो चीज़ हम समझ चुके हैं कि फंडामेंटल लॉज में क्या था कि अगर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी इंट्रोड्यूस होता है तो वन बाय ए जो कि एक्स का कॉफिशेंट है वो लिखना है, बाकी फॉर्मूला उसी तरह से लिख देना है। बाकी फॉर्मूला उसी तरह से लिख देना है मतलब एक्स की पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन थी तो यहाँ ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन आएगी अपॉन एन प्लस वन वैसे ही आएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो कुछ एक फॉर्मूलेस के मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, बाकी जिन फॉर्मूलेस की फिर आगे जरूरत पड़ेगी उसके हम प्रूफ्स लेंगे, बाकी के हम डायरेक्ट लिखते चलेंगे कि इनका फॉर्मूला इस तरह बनेगा, राइट। तो एक इसका प्रूफ लेने की जरूरत है, पहला फर्स्ट फॉर्मूला है तो इसको ले लेते हैं। इसमें आप लेट करते हैं एक्स प्लस बी इक्वल टू टी लेंगे और इसमें यहाँ एग्जैक्ट डेरिवेटिव करेंगे, ए एक्स का डी एक्स होगा, कांस्टेंट का जीरो आएगा, इक्वल्स टू टी का डी टी हो जाएगा। तो मतलब ये इसको डी एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं डी टी बाय ए से, ठीक है। तो ये इस तरह से जो इंटीग्रेशन होना है इसमें ए एक्स प्लस बी की जगह टी रख देंगे, तो यहाँ लिखोगे आप टी की पावर एन और डी एक्स की जगह लिखोगे आप डी टी बाई ए, दिस इज डी टी बाई ए इक्वल्स टू, राइट। तो देखिए ये फॉर्मूला पूरा हो गया तैयार और वन बाय ए कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रख दिया आपने टी टू दी पावर एन डी टी। तो ये फॉर्मूला इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से यूज हो जाएगा। यहाँ वेरिएबल टी है उधर एक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसको डेरिवेटिव किया है तो वैसे ही लिखने देना है उसको, ठीक है ना। सो दिस इज टी टू दी पावर एन डी टी, इट इज विद रेस्पेक्ट टू टी, सो यू हैव टू राइट द टी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और टी की जगह आप लिखोगे, अब जब आपने उसको भी इंटीग्रेट कर चुके हैं तो यू हैव टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, वापस उसको रखना है तो इसको आप लिखेंगे ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये पहला फॉर्मूला फिनिश हुआ, ठीक है ना। इसमें आप चाहें हम दूसरे डायरेक्ट लिखेंगे और जो पॉइंट समझा है वो ये कि इस बात को मैं दोबारा बोल रहा हूँ लगभग, देखिए कि वो पॉइंट यह है कि जब एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आता है, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आता है तो
जो एक्स का कॉफिशियंट है ए, वो फॉर्मूले में जब आप जनरल फॉर्मूला लिख रहे हो तो डिवाइड करता है और बाकी वैसे के वैसे उसी स्टाइल में फॉर्मूले को लिख देते हैं। जैसे कैसा कि आपने एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी लिख दिया, पावर वैसा ही लगाया, उस पावर से नीचे डिवाइड किया, वो आप कर ही रहे हैं, लेकिन 1 बाय ए आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे दूसरे जो फॉर्मूले हैं,